हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ 10 कदम का सेशन। और प्यारे बच्चों, आज का सेशन काफी अच्छा होने वाला है। आप मेरे हाव भाव को देख सोच रहे हो क्यों? क्योंकि आज के 10 सवाल काफी अच्छे हैं और बहुत कुछ बारीकियां मैं सिखाने वाला हूं। सबसे पहले पेपर को बनाने वाले टीचर हमारे सीनियर साथी वीर सिंह राजपूत को विशेष धन्यवाद दे देना चाहूंगा, जिन्होंने काफी मेहनत की इस पेपर पर। और उनकी मेहनत और लगन और बहुत ही ज़्यादा कोशिशों का परिणाम है कि आज बहुत कुछ मैं आपको सिखा पाऊंगा। इसके बाद अपने सीनियर साथी रविंद्र सर, रिया मैम, संगम सर को विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस पेपर का ऑलरेडी बहुत ही अच्छा और अप्रोप्रिएट एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग, बहुत कुछ सिखाया भी है उन लोगों ने सेशन ने। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अपने सीनियर साथियों को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहां से हम लोग का सेशन शुरू होता है 10 का दम का सेशन। क्यों? सबसे पहले शिक्षा का अधिकार सभी को, डॉक्टर बनने का अधिकार सभी को हमारे लोगों। उसके बाद 10 कदम का लोगो आप देख रहे हैं और ये रहा आपके सामने स्क्रीन के सामने ये पहला सवाल। देखिए, विद द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सवाल बच्चों का इसलिए गलत हुआ क्योंकि वो नन ऑफ दिस के ऑप्शन से रिलेट नहीं कर पाए कि क्या है। देखिए, ये एक पेड़ है पहली बात, और मुझे लगता है इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये एक पेड़ है, ठीक, इस पर लाइट रेडिएशन पड़ रही है, ये एच न्यू फोटॉन के रूप में लाइट पड़ रही है। मान लीजिए 2 घंटे के लिए ये लाइट पड़ी, ठीक, जिसे या दूसरा ऑप्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लाइट है, मैं इसे ड्यूरेशन मान रहा हूं। लेट अस सपोज मैंने इसे ड्यूरेशन मान लिया और ये इतने 2 घंटे तक ये सनलाइट एक्सपोज हुई, तो फोटोसिंथेसिस कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसको रिलेट करें, काफी बच्चे परेशान थे, सर ये कैसे? इसका आंसर ये है, देखिए, मैं 2 घंटे के लिए सनलाइट इस पौधे पे डाल रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि इस ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लाइट में ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन कितना फोटोसिंथेसिस किस रेट से होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट की क्वालिटी क्या है, लाइट क्वालिटी। ठीक, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि ब्लू और रेड ये 2 स्पेक्ट्रम के वो रीजन थे जिनमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती थी। तो मैक्सिमम का मतलब जब कहीं पर लो और हाई होता है तो रेट का डिफरेंस होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसने अधिक मोर इफिशियंसी जिसकी होती है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस। तो ब्लू और रेड ये वो स्पेक्ट्रम के रीजन थे, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां पर ये ज्यादा था फोटोसिंथेसिस। और इंटेंसिटी, ठीक, जितना अधिक सनलाइट पड़ेगा उतना फोटोसिंथेसिस होगा। अब देखिए, इस 2 घंटे के एक्सपोजर में, मतलब मैं कह रहा हूं इस 2 घंटे के एक्सपोजर में कितनी इंटेंसिटी के साथ सनलाइट पड़ी और किस क्वालिटी की पड़ी, उस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने घंटे तक सनलाइट पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा गया था, इसलिए ये इससे इफेक्टेड नहीं होगा। इस 2 घंटे में किस इंटेंसिटी का, किस क्वालिटी की लाइट पड़ी है, उससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरी करेगा। मान लीजिए अभी इस समय थोड़ी थोड़ी शीतलहर चल रही है, ठंड चल रही है, तो हल्की सी धूप निकली तो इंटेंसिटी कम है, लेकिन मई और जून के महीने को याद करिए कि 2 घंटे वहां सनलाइट बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मई जून के 2 घंटे की सनलाइट में ज्यादा होगा इन कंपेरिजन दिस आज के सेशन में। तो मैं कह रहा हूं लाइट तो पड़ रही है, अलग बात है, तो उस और क्वालिटी तो अपनी जगह है ही। तो बच्चे ये जो लाइट की इंटेंसिटी और इससे रिलेट नहीं कर पाए, तो इंटेंसिटी इज मस्ट फैक्टर। 2 घंटे में कितना रेडिएशन पौधे पे गिरा ये भी मायने रखता है, किस क्वालिटी गिरा ये भी मायने रखता है। लेकिन अगर इंटेंसिटी कम है, थोड़ी सनलाइट कम है जैसे आज की डेट में, तो भी 2 घंटे का एक्सपोजर ऑफ लाइट है, और मई जून के महीने में तो भी 2 घंटे का एक्सपोजर लाइट है, तो अंतर आया है इंटेंसिटी से और क्वालिटी से, इसलिए रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का इससे कोई संबंध नहीं है। देखिए, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होना एक अलग चीज है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होना एक अलग चीज है और किस रेट से हो रहा है एक अलग चीज है, इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लाइट का इफेक्ट नहीं है, इंटेंसिटी और क्वालिटी का है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड है भाई। बच्चे रिलेट नहीं कर पाए कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन केयर इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब देखिए समस्या, देखिए ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट और इसमें ये छोटा सा जो एक सिक्के नुमा स्ट्रक्चर था ये था थाइलाकॉइड। लेकिन कमाल की बात बताएं,
ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है, डबल मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट होती है, इसमें सिर्फ इतना होता है कि इसका इनर साइड अलग हो, इनर साइड और आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन कैरियर की पोजीशन अलग अलग होती है। तो मैं ये एक थैलाकॉइड की बात कर रहा हूं, इसका जो ये स्पेस है इसका नाम ल्यूमन है, पहली बात। ठीक, तो इनर साइड अलग है और आउटर साइड अलग है, तो कह रहे हैं कौन सा जो है कि वो इनर साइड पे, तो ये प्लास्टोसाइन है और ये दोनों आपके आउटर साइड पे होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैरियर की जो पोजीशनिंग होती है वो इस एक मेम्ब्रेन के इनर और आउटर साइड में अलग अलग होती है। तो इनर साइड पूछा गया था प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोक्यूनियन और एडिपोसिंथेसिस, ये जो होते हैं ये आउटर साइड पर होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ड्यूरिंग ऑक्सीड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट माइटोकांड्रिया एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ, ये क्वेश्चन गलत है भाई, पूछे क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेटिव जो डीकार्बोक्सिलेशन की ये बात कर रहे हैं उसमें पाइरूविक एसिड एक रिएक्टेंट था, पाइरूविक एसिड एक रिएक्टेंट था जिसमें आपका एनएडी प्लस इस्तेमाल होता था और इससे बनता था एनएडीएच2। ठीक, और बनता था एस्टाइल कोएंजाइम ए, ये दो कार्बन कंपाउंड प्लस CO2, ये था ऑक्सीड डीकार्बोक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीजन हुआ, इसने इस एनएडी ने हाइड्रोजन को यहां से निकाला है और हाइड्रोजन का निकलना ही होता है डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसे हम ऑक्सीड डिहाइड्रोजन भी कह सकते हैं। क्यों? ऑक्सीडेशन इस सबस्ट्रेट का हुआ है और डिहाइड्रोजन हुआ क्यों? क्योंकि ये NADH2 बना है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑक्सीड डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 भी निकला है। तो पाइरूविक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता भाई, पाइरूविक एसिड जो होता है डिग्रेड होता है और एस्टाइल कोएंजाइम में बनता है, और NADPH की तो बात आप कहीं से रेस्पिरेशन में, ये फोटोसिंथेसिस बनता है। और इन ग्लाइकोलिक ग्लूकोज इंटरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये तो डिफिनीशन है कि ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन जो होता है वो पाइरूविक एसिड बनता है और इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, इसी का नाम EMP पाथवे है। ठीक, और दो मॉलिक्यूल बनते हैं पाइरूविक एसिड के, और कितने? 10 स्टेप 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा। तो पहला गलत, दूसरा सही है, ये इनकरेक्ट है और करेक्ट है, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सवाल देखिए, ये आपका 2018 का PYQ है, ये बात याद रखिए, और ये सवाल भी काफी अच्छा, बच्चे रेट नहीं कर पाए। अब इसको केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं, A+B, तभी ये समझ में आएगा कि ये है क्या चीज। A+B C+D, आपको पता है कि इन दोनों में एक लिमिटिंग रिएजेंट होता था, आप लोग का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो उसे आप मोल कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो ये बड़ा दिक्कत करता था कि लिमिटिंग रिएजेंट होता था जो बनने वाले प्रोडक्ट की अमाउंट डिसाइड करता था। लिमिटिंग वो होता है जो रिएक्शन में पूरा का पूरा खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। तो क्या कुछ ऐसा ही नहीं लिखा है लिमिटिंग फैक्टर? लिमिटिंग फैक्टर आपको पता है कि जब मोर देन सेवल फैक्टर, कई सारे फैक्टर किसी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं या इफेक्ट करते हैं, तो लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसका अमाउंट सबसे कम होता है, जो सबसे कम होता है उसे बढ़ाना होता है ताकि वो प्रोसेस को अप्रोप्रिएटली चला सके या उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब देखिए, तो कहते हैं कि सी और डी इस रिएक्शन के होने के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रिएक्शन के बाद बनने वाले प्रोडक्ट हैं। जो यहां पर कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, जो यहां रिएजेंट इस्तेमाल होंगे, ठीक, और जो ये रिएक्टेंट हो, ये लोग डिसाइड करेंगे कि सी और डी कितना बनेगा। तो ये रिएक्शन यहां से यहां तक है, ये तो इसका प्रोडक्ट है, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में CO2 H2O आपस में सनलाइट के बीच जुड़ते थे जिससे आपकी ग्लूकोज बनती थी और ऑक्सीजन और वाटर बनता था। ठीक है, और क्लोरोफिल तो मस्ट है ही इसके लिए भाई, क्लोरोफिल होना आवश्यक है क्योंकि ये रिएक्शन तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से ही चलती है। ठीक, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस होने के लिए मस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल ये चाहिए। अब ऑक्सीजन नॉर्मली क्यों नहीं है? देखिए, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इनके प्रेजेंस तब ऑक्सीजन बनेगी। तो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑक्सीजन तो उसके बाद बनने वाला प्रोडक्ट है। ठीक इसी तरीके से CO2 जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो नॉर्मली ये फैक्टर नहीं है ऑक्सीजन का। अब चक्कर सर आप कहोगे कि ये नॉर्मली का क्या चक्कर है, आप यहां तो ये समझा रहे हो कि ऑक्सीजन जो है वो आपका प्रोडक्ट है, वो फोटोसिंथेसिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर ये नॉर्मली का क्या चक्कर? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ये है क्या चीज, बात को समझिए। यहां से तो आपको लग रहा है कि भाई ऑक्सीजन का तो कोई रोल ही नहीं है,
फोटोसिंथेसिस में होता प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि स्टोमेटा ये एक प्लांट है, और स्टोमेटा के थ्रू जो होता है CO2 आता है, ठीक है, CO2 अंदर आता है, एक गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आपको पता है कि नॉर्मली अब ये CO2 जब आएगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन निकलेगा तो वो रेस्पिरेशन में जाएगा। अब जब रेस्पिरेशन में जाएगा, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन का कंटिन्यूअस होना आवश्यक है, क्योंकि उससे ATP निकलेगी, पौधे को लगातार एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है भाई, तो ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और उससे एज ए प्रोडक्ट CO2 निकलता है, और यही CO2 अगेन फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, और रेस्पिरेशन से निकलता CO2, तो CO2 फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी एक फैक्टर है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है वो। लेकिन CO2 जब एंट्री की है एज ए रिएक्टेंट के रूप में स्टोमेटा के माध्यम से, उसके बाद की ये सारी प्रोसेस हैं। CO2 एंटर किया, वो कंज्यूम हुआ रिएक्शन में, तब ऑक्सीजन निकली, तब आगे की प्रक्रिया हुई। इसीलिए नॉर्मली इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर, और चार में एक ऑप्शन चुनना था, इसलिए हमने इसका आंसर लगाया। 2018 में जब ये सवाल आया था तो बहुत से लोगों गलत हो गया था, क्यों? क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पाए भाई, रिएक्शन CO2 के आने के बाद ऑक्सीजन पैदा हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए ये एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है नॉर्मली, बात को समझिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, CO2 यहाँ से आएगा गैस एक्सचेंज के माध्यम से स्टोमेटा से, और CO2 जब आएगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, उससे ऑक्सीजन निकलेगा, रेस्पिरेशन होगा, फिर CO2 निकलेगा, तो जितना CO2 बनता जाता है किसी प्लांट के अंदर सेल में, वो लगातार कंज्यूम होता चला जाता है एज ए फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल के रूप में, रिएक्टेंट के रूप में, इसलिए नॉर्मली ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट है। अब देखिए लिखा एट हाईलाइट, ये तो बुक की लाइन है कि एट हाईलाइट इंटेंसिटी पर बोथ C3 और C4 प्लांट जो थे इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो आपको पता ही है, और सो इन फोटोसिंथेसिस नो इफेक्ट, नहीं इफेक्ट दोनों पड़ता है, याद रखिए हाईलाइट इंटेंसिटी का C3 और C4 पर इफेक्ट पड़ता है, दोनों पड़ता है इफेक्ट, ठीक। तो ये कहते हैं नॉट डिपेंडेंट, ये तो गड़बड़े हैं, और ये तो पूरी तरह गड़बड़, ठीक है, तो दोनों पे इफेक्ट पड़ता है, ये बुक की लाइन थी, आपको याद होना चाहिए। आप देखिए इस डायग्राम को देखिए, ये क्लोरोफिल ए है, ये बी है और ये है, तो ये जो नीला वाला है यहां पर, ठीक, ये यहां पर देखिए क्लोरोफिल, ये आपका ए हो गया, ठीक, और ये बी हो गया, ये ए है और ये बी है। अब देखिए लिखा है कि इस डायग्राम को देख के आपको बताना क्या है, आपको पता है कि ये वाला रीजन जो है ये ब्लू रीजन है, ब्लू स्पेक्ट्रम, और ये वाला रीजन जो है ये रेड स्पेक्ट्रम, इतना तो आपको पता है। ये आपका ऑक्सीजन रेट, ठीक है, यही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का है पीक, ठीक है, ये दोनों जो पीक आप देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस का पीक है, ये ऑक्सीजन के ऑक्सीजन जो है रिलीज का, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज का पीक है, ठीक, और यही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक है, यही फोटोसिंथेसिस का पीक है, ठीक है, कि इन दो रीजन में फोर हाई है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हाई है, एब्जॉर्प्शन हाई है। अब इतने कंसेप्ट के बेस पर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए, क्लोरोफिल बी सो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन पीक इन ब्लू लाइट, तो आप देख रहे हो ब्लू लाइट में क्लोरोफिल का पीक सबसे ऊपर है, तो ये सेंटेंस सही है। फिर क्लोरोफिल ए सो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन पीक इन रेड लाइट, अब देखिए ये ए है और ये बी है, तो इस रीजन में बी ए वाला ज्यादा है, तो ये सही है। अब लिखा इन रेड लाइट क्लोरोफिल ए हैव ग्रेटर पीक देन क्लोरोफिल बी, ये गड़बड़ था। अब देखिए अब लिखा कि इन क्लोरोफिल ए सो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन पीक, गड़बड़ है, देखिए क्लोरोफिल ए यहां पर है और इसका पीक इतना नीचे है और यहां ये इतना ऊपर, इसका मतलब कि ये जो क्लोरोफिल ए सो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन पीक इन रेड लाइट, नहीं इसको ब्लू होना चाहिए था, ब्लू, इसलिए सेंटेंस गड़बड़ है भाई। मैं क्या बता रहा हूं, आप ये मत देखो कि ये पीक ऊपर है, आप ये इसके रेफरेंस में, क्योंकि इन्होंने कहा है क्लोरोफिल ए सो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन पीक इन रेड लाइट, नहीं यहां ब्लू वाले में पीक ज्यादा है, देखिए ध्यान से, इसलिए ये सेंटेंस गड़बड़ है। इन रेड लाइट क्लोरोफिल ए, अब रेड लाइट की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए हैव ग्रेटर एब्जॉर्प्शन पीक देन क्लोरोफिल बी, जाहिर सी बात है बी से ऊपर है, ये सही है। और ब्लू लाइट में देखिए क्लोरोफिल बी हैव ग्रेटर, तो ब्लू यहां ऊपर है, तो आप देखिए कि ये वाला पीक नीचे ये ऊपर, इसलिए सेकेंड सेंटेंस गड़बड़ है, आंसर सेकेंड। आप देखिए आपको पता है कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर
ठीक है, टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एंजाइम एक्टिविटी, ठीक, एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, तो जाहिर सी बात है जो रिएक्शन एंजाइमेटिक होंगी, ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शन वो टेम्परेचर सेंसिटिव होंगी, जो ज़्यादा एंजाइमेटिक, आपको पता है कि डार्क रिएक्शन जो होता है मोर एंजाइमेटिक होता है और लाइट रिएक्शन कम एंजाइमेटिक होता है, तो इसीलिए कह रहे हैं डार्क रिएक्शन मोर टेम्परेचर सेंसिटिव देन लाइट रिएक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। और ये बुक की लाइन थी, लाइट रिएक्शन इज मोर गड़बड़ है, लाइट इज नो सेंसिटिव, ये भी गड़बड़ है, और लिखा डार्क सेंसिटिव टू टेम्परेचर बट लाइट रिएक्शन नहीं, सेंसिटिव दोनों होते हैं, डार्क ज़्यादा होता है लाइट कम होता है, क्यों, क्योंकि जिसमें एंजाइमेटिक का एंजाइम का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, जिस रिएक्शन में वहाँ टेम्परेचर सेंसिटिव वो ज़्यादा होंगे। फर्स्ट आंसर। अब देखिए ये तो आपकी रेस्पिरेशन के चैप्टर में लास्ट में लिखा है कि कोई भी रेस्पिरेटरी सब्सटेट हो एस्टाइल कोएंजाइम में एक कॉमन प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से वो रेस्पिरेशन में एंट्री करता है, ये बात याद रखें, कोई भी रेस्पिरेटरी सब्सटेट हो एस्टाइल कोएंजाइम में एक कॉमन लिंक है, ये प्रोडक्ट बनता ही बनता है और इसी से ये रेस्पिरेशन एंट्री मारता है, और ये आपके पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया 13 में उसके पहले भी कि कॉमन रेस्पिरेटरी सब्सटेट फॉर फैटी एसिड कार्बन प्रोटीन के लिए एस्टाइल कोएंजाइम बनता ही बनता है, ये बुक की लास्ट वाले जहां पर आरक्यू दिया उसके ऊपर एक चार्ट बना हुआ है। अब ये एस्टाइल कोएंजाइम में एंट्री मारेगा आपका क्रेब्स साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बड़ा एक बड़ा गड़बड़ होता है, एक होता है प्रोड्यूस एटीपी टोटल, ठीक है, प्रोड्यूस्ड और टोटल गेन का मतलब एक है भाई, ये बात याद रखिएगा, ठीक, आप कहते हैं जितना बना हो ड्यूरिंग प्रोसेस, जितना बना हो ड्यूरिंग प्रोसेस, आपको पता है कि 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसिक एसिड बनता है तो दो मॉलिक्यूल उनके होते हैं, 2 एटीपी वहां निकलती है, फिर 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड से पाइरुविक एसिड बनता है, 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं तो वहां 2 एटीपी, मतलब 4 एटीपी बनती है, तो हमें क्या पूछा गया, प्रोड्यूस कितना बनता है, इसी को टोटल गेन बोलते हैं। अब इस प्रक्रिया के दौरान अगर यूटिलाइज कुछ हुआ है तो उसे माइनस करेंगे तो आएगा नेट गेन, ठीक है, नेट गेन, ये बात याद रखिए, ठीक है, नेट गेन, तो नेट गेन में क्या होता है, प्रोड्यूस्ड माइनस यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक, तो प्रोड्यूस माइनस यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग प्रोसेस, तो आपको पता है कि 4 तो बने थे और 2 यूटिलाइज कहां हुआ था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6-bisphosphate, तो 2 यूटिलाइज हुआ था और यही है नेट गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 2, ठीक है, तो आपसे प्रोड्यूस पूछा गया 4 एटीपी मॉलिक्यूल यहां पर लेंगे हम। अब देखिए लिखा कि लैमेली ऑफ गैना, ध्यान से देखिए, ये अगर आपका हम क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं, मान लीजिए बन गया ठीक ठाक, और ये सिक्के नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक ठीक है, ये सिक्के नुमा, तो ये जो एक सिक्का आपको दिख रहा है ये है थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड, और ये पूरा जो पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स, ये है ग्रेना, ठीक है, और इनको जोड़ने वाला स्ट्रक्चर एक ग्रेना को दूसरे जोड़ने से, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली, ठीक, तो ये हमें क्लोरोप्लास्ट का आउटलाइन मिल गया कि भाई ये तो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा है और स्ट्रोमा लैमेली दोनों में अंतर। अब देखिए लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है, लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, पहली बात लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है, और इस लाइट रिएक्शन के 2 फोटो सिस्टम एक साथ ऑफ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकेंड, ठीक, जब ये दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं, ठीक है, तब आपका एटीपी बनता है, ऑक्सीजन निकलता है और NADPH2 बनता है, क्या बता रहे हैं, जब ये दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं PS1 PS2 तो एटीपी ऑक्सीजन और NADPH2 बनता है, और जब केवल ओनली PS1 ऑपरेट होता है, ठीक है, PS1 ओनली ऑपरेट होगा तब केवल आपका एटीपी बनेगा, ठीक,
तो अब इसका पीक भैया 700 है, इसका 680 है, ठीक 680 nm और nm। देखो जब ये दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं फोटो सिस्टम 1-2 तो एटीपी ऑक्सीजन और NADPH2 बनता है, और इसमें बनने वाले एटीपी को बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं क्या बता रहा हूं, जब ये PS1 PS2 एक साथ ऑपरेट होते हैं तो ATP ऑक्सीजन NADPH2 बनता है, बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और जब केवल PS1 ऑपरेट होता है तो केवल ATP बनता है, बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये होता क्यों है ऐसा, मैं बोल रहा हूं इसका पीक 680 है, और जब 680 nm से ऊपर की अबव द लाइट मिलेगी तो ये केवल ऑपरेट होगा, ये ऑपरेट होगा नहीं। तो यही है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब होता है जब लाइट ऑफ वेवलेंथ अबव होता है। भाई ये तो गड़बड़ है, ठीक, तो इसलिए सेंटेंस तो गड़बड़ हो गया। अब ये होता कहाँ है साइक्लिक, ये जो आपका स्ट्रोमा लैमेली है यहाँ केवल PS1 होता है, PS2 जो होता है यहाँ एब्सेंट होता है, और यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता, ये NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है, तो ये एंजाइम नहीं होता इसलिए NADPH2 नहीं बनता, और PS1 क्यों फंक्शनल होता है इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ होता है। लिखा लैमेली और ग्रेना है बोथ PS1, मैं पहले बता रहा हूँ कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, इसके दो पार्ट होते हैं PS1 PS2, ठीक, तो ये तो सही है। और ये गड़बड़ क्यों, जब 680 के ऊपर मिलेगा तो केवल PS1 ऑपरेट होगा और उससे केवल ATP मिलेगा, उसको बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसलिए गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, आंसर सेकेंड है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा सेशन यहाँ से खत्म हुआ, मेरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और टेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, और हमारे सीनियर साथी जो पेपर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको जरूर देखिए, और पेपर देते समय सोचिए कि 24 घंटे में वो पेपर हमारा कंप्लीट हो जाए। सोने से पहले बायो तो आपकी हो ही जानी चाहिए, कंसेप्ट को कॉपी में नोट करिए कि इसके पीछे ये कंसेप्ट था, जैसे आज दो क्वेश्चन से मैंने आपको कंसेप्ट बताए, ठीक है, वो मुझे भी नहीं पता थे, जब पेपर क्वेश्चन को मैं देखा तो मैंने खुद सीखा उसको। तो प्यारे बच्चों जब मुझे सीखना पड़ रहा है तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके बाय बाय।